नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। अगर आप भी आने वाले दिनों में जमीन खरीदने की सोच रहे हैं, खासकर की अगर आप राजधानी पटना में जमीन खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपको सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि अब आने वाले दिनों में आपके लिए जमीन और फ्लैट की रजिस्ट्री करवाना महंगा हो सकता है। इसको लेकर पटना जिला निबंधन कार्यालय ने निबंधन विभाग को प्रस्ताव जारी कर दिया है, जिसमें सड़कों को प्रमोट करने का काम किया जाएगा, जिसके बाद ही जिन भी सड़कों को मुख्य सड़क से प्रधान सड़क के रूप में अधिसूचित किया जाएगा, उसके किनारे की जमीन का सर्कल रेट 10 लाख तो बढ़ाए जाने की योजना है। यानी कि आने वाले दिनों में पटना के ज्यादातर हिस्सों में जमीन, मकान, फ्लैट आदि का निबंधन बिना सर्किल रेट बढ़े ही महंगा हो सकता है। भेजे गए प्रस्ताव में सड़कों को प्रमोट किया गया है। इसके अनुसार अब 20 फुट के बदले 15 फुट से अधिक चौड़ी सड़कों को मेन रोड या फिर मुख्य सड़क और 25 फुट से अधिक चौड़ी सड़क को प्रधान सड़क के रूप में अधिसूचित करने की बात कही गई है। जिन सड़कों को मुख्य सड़क से प्रधान सड़क के रूप में अधिसूचित किया जाएगा, उसके किनारे की जमीन का सर्कल रेट 10 लाख तक बढ़ने की पूरी पूरी उम्मीद है। पटना शहरी क्षेत्र में सड़कों को मुख्य सड़क और प्रधान सड़क के रूप में एक दशक से पूर्व निर्धारण हुआ था। इस दौरान शहरीकरण बढ़ा है और विकास भी तेजी से हुआ है। इसी को देखते हुए पिछले दिनों निबंधन विभाग ने सभी जिलों से सड़कों को रिवाइज करने के लिए प्रस्ताव मांगा था। कोशिश है कि बिना सर्कल रेट बढ़ाए निबंधन के जरिए राजस्व को बढ़ाया जाए। विभाग का मानना है कि हाल ही के साल में शहरी क्षेत्र में सड़कों की चौड़ाई बढ़ी है और नई सड़कें भी बनी हैं। कई नए नगर निकाय बने हैं। ऐसे में सड़कों को रिवाइज करने से राजस्व में बढ़ोतरी हो सकती है। वर्तमान समय की बात करें तो पटना में मुख्य सड़क का सर्किल रेट 16 लाख और प्रधान सड़क का सर्किल रेट 26 लाख रुपए है। सर्किल रेट के मुताबिक ही निबंधन शुल्क लगता है। ऐसे में निबंधन शुल्क महंगा हो जाएगा। आने वाले दिनों में गोला रोड, बोरिंग रोड से पाटलिपुत्र को जाने वाली सड़क समेत कई अन्य सड़कों को जल्द ही प्रधान सड़क माना जाएगा। अभी पटना की ज्यादातर सड़कें ब्रांच रोड के रूप में हैं। उम्मीद यही है कि आने वाले दिनों में जारी किए गए प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाएगी, क्योंकि निबंधन विभाग जिला निबंधन कार्यालय के इस प्रस्ताव पर अब तक सकारात्मक रुख ही देखने को मिल रहा है। ऐसे में अब नगर विकास विभाग इस प्रस्ताव को अगर अधिसूचित कर जिला निबंधन कार्यालय को भेजने का काम कर देता है, तो इसे जितनी जल्दी हो सके लागू कर दिया जाएगा। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार जिला निबंधन कार्यालय को उम्मीद है कि उनका प्रस्ताव फरवरी के अंत तक या मार्च के पहले सप्ताह में जिले में लागू हो जाएगा। ऐसा होने से पहले सिटी का क्षेत्र छोड़कर शहर की ज्यादातर सड़कें मुख्य सड़क या मेन रोड मानी जाने लगेगी। वर्तमान में पटना को 5 जोन में बांटकर निबंधन होता है। हर एक जोन में सड़क को रीसाइज करने का प्रस्ताव भी दिया गया है। पटना में हर वर्ग की सड़क के लिए सर्किल रेट भी तय हो गया है। इसी के हिसाब से निबंधन होता है। मिली जानकारी के अनुसार पटना में 32 सड़कें प्रधान और 112 मुख्य सड़क के रूप में घोषित है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।